आज हम मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे। इसके लिए हम एक कटोरी चावल लेंगे। इस चावल को हम 2-3 बार पानी से धो करके 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दें। अब वेजिटेबल्स में हमने एक बाउल फूलगोभी का लिया है, एक टमाटर बारीक काट के लिया है, आधा बाउल हमने गाजर ली है और 2 से 3 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 बाउल हमने मटर के लिए हैं और 1 बाउल हमने मेथी का लिया है। ये हमने 8 से 10 लहसुन की कलियां ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। चावल को भिगोए हुए 15 मिनट हो गए हैं, अब हम पुलाव बना देते हैं। अब हमने एक भगोना लिया है, भगोने में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो अच्छे से पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। हमने 2 मिनट पका दिया है, अब हम इसमें जो हमने टमाटर काट के रखे थे वो डाल देंगे और यह हरी मिर्ची डाल देंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक वैसे 1 कटोरी में 1 चम्मच डलता है चावल, सिंपल चावल में, लेकिन पुलाव में यह डबल डलता है, तो हम 2 चम्मच नमक के डालेंगे। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें स्वादानुसार लाल मिर्च डाल देंगे। मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें जितने चावल डाले थे उससे हम 3 गुना ज्यादा पानी डालेंगे। अब इस पानी में हम उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आएगा हम चावल इसमें डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें ये चावल डाल देते हैं। अब हम इसे पहले फुल फ्लेम पे पकाएंगे, फिर जब पानी बिल्कुल कम हो जाएगा उसके बाद हम इसको ढक करके सिम आंच पे पकाएंगे। पानी बिल्कुल कम हो गया है, अब हम ढक्कन लगा करके गैस को बिल्कुल स्लो करके चावल को सिझाने के लिए रख देंगे। चावल को सिम पे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। इसका पानी पूरा सूख गया है, चावल भी हमारे अच्छे से बन गए हैं, बहुत खिले खिले चावल बने। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ये पुलाव हमने निकाल दिया है, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है हमारा मिक्स वेज पुलाव। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।